हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक सबको बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट केक को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, उसमें छन्नी रखेंगे। इसमें हम सारी चीज़ों को छानना है। उसके बाद 1 कप मैदा डालेंगे। अगर आपके पास ऐसा कप, माप वाला कप ना हो तो आप सिंपल कटोरी यूज कर सकते हैं, उसी से सारी चीज़ों का मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरह से 1/2 कप चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी है ये। 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर टेबल स्पून ना हो तो आप रेगुलर चम्मच से डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब सारी चीज़ों को छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को छान लिया है, अब ये बचा हुआ है उसे निकाल देंगे। उसके बाद इसे मिला लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। वन फोर्थ कप रिफाइंड ऑयल डालना है, या आप बटर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक घोल तैयार करेंगे। ये 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है दूध को। ऐसे ही धीरे धीरे मिक्स करना है। केक बनाने के लिए ये घोल तैयार हो गया है। अब एक केक मोल्ड ले लेंगे, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। उसके बाद जो हमने घोल तैयार किया है उसे डाल देंगे। अब इसे दोनों हाथों से टैप कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है पहले से, इसमें एक स्टैंड लगा के रखा है। इसमें हम अब केक रखेंगे, इसे 35 से 40 मिनट तक पकाना है धीमी आंच पर। चालीस मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन खोल के देखेंगे। केक पक चुका है, देखिए इसमें कुछ नहीं लग रहा है। अब इसे ठंडा होने के बाद निकाल देंगे, चाकू से किनारों से इसे निकाल देंगे। अब प्लेट को केक के ऊपर से रख लेंगे, उसके बाद डिमोल्ड कर लेंगे केक को। देखिए अब बटर पेपर को निकाल देंगे, कितना अच्छा केक बना हुआ है। अब इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे ऊपर से। केक
केक बनके तैयार है। सिरप को डाल दिया है। अब इसके ऊपर से थोड़े से चोको चिप्स डालेंगे। हमारा ये चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया है। अब इसे काटेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। अगर हम इस तरीके से केक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट केक बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।